खाद्य विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाते हुए लालकुआं क्षेत्र में छापेमार अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने मीट, मांस, मसाले एवं खाद्य सामग्री की करीब आधा दर्जन दुकानों के चालान किए, जबकि दो स्थानों में व्यापारियों को साफ सफाई रखने के सख्त निर्देश दिए। लालकुआं खाद्य विभाग के अधिकारी संजय कुमार सिंह और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कैलाश चंद्र के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने नगर के आधा दर्जन दुकानों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान कई दुकानों में एक्सपायरी डेट के सामान के साथ भारी गंदगी पाई गई, जिन्हें सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में वह अपने प्रतिष्ठानों में साफ सफाई रखेंगे। खाद्य विभाग की छापेमारी अभियान के दौरान नगर के दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। तीन दुकानें देखी हैं अभी, एक दुकान के पास लाइसेंस मिला है लेकिन इसकी सफाई व्यवस्था ठीक नहीं पाई जा रही है, तो उसमें एक इम्प्रूवमेंट नोटिस होता है, उस इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं, समय देंगे, अगर अपनी दुकान को सही नहीं करेगा तो लाइसेंस कैंसिल करेंगे। अभी दो दुकानों के पास हमें लाइसेंस मिला नहीं है, उसको भी दो तीन दिन का समय दे रहे हैं, अगर लाइसेंस है तो दिखा दें, अगर नहीं दिखा पाएंगे तो कोर्ट में केस दायर करके कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।